नमस्कार दोस्तों, हम सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी आर एजुकेशन में। आज है 16 जनवरी, तो 16 जनवरी के सभी शैक्षणिक समाचार इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब के पास बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मिडिल क्लास को टैक्स में मिल सकती है दोगुनी छूट। मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगी नीट और IIT की निःशुल्क कोचिंग। स्कूल बुलाने से पहले अभिभावकों की लेनी होगी अनुमति। कक्षा 9 से 12वीं तक प्रवेश 31 जनवरी तक हो सकेंगे, 8वीं तक प्रवेश जारी रहेंगे वर्ष भर। शिक्षा विभाग 109 मृतका से आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। यह आज के एग्जाम गाइड। दोगुना हुआ DA, खिलाड़ी कर सकेंगे भरपेट भोजन। पोसार के गेहूं में मिली मिट्टी अभिभावकों ने लौटाया। IHM छात्र बोले हर हाल में प्रारंभ होना चाहिए कॉलेज। आगे नेक्स्ट खबर आपके लिए। स्टाफ नर्स और FTMO पदों के लिए निकली है भर्ती। प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट फेलो पदों के लिए अवसर। प्रोग्रामर पदों के लिए 16 जनवरी से करें आवेदन। और ITICAT 2020 15 जनवरी से करें रजिस्ट्रेशन। 5 साल में 9 नौकरी, अब भी मंजिल की दौड़ जारी। असिस्टेंट अकाउंटेंट के पदों पर निकली नौकरियां। सीनियर रेजिडेंट, सीनियर ट्यूटर पदों के लिए भर्ती। शिक्षकों की कमी से बिगड़ा शिक्षा का गणित। आकाश कोचिंग का नहीं होगा अधिकरण, बायजू से होगी फाइनेंशियल पार्टनरशिप। स्कूलों में कहीं सफाई तो कहीं सैनिटाइज हुआ शुरू। प्रदेश के निजी महाविद्यालय शिक्षकों की दरकार। कोरोना काल में रोके वेतन पर भी साइंस ले सरकार। सोमवार से स्कूलों में फिर से बजेगी घंटी। विवाहित पुत्री को नियुक्ति का अधिकार हाईकोर्ट। 25 अप्रैल को महावीर जयंती, राज्य सरकार रीट परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाएं गुलाबचंद कटारिया। 100 से अधिक अनुकंपा नियुक्ति अनुमोदित। प्रदेश के 15 आयुष कॉलेजों में 0 सेशन। चयनित अभ्यर्थियों की शीघ्र नियुक्ति के लिए शिक्षा निदेशक को सौंपा ज्ञापन। पढ़ना लिखता अभियान की विषय PLET परीक्षा में फिर पहुंचा। AVG परीक्षाओं मौके से भागने में सफल। विभिन्न विषयों की मुख्य सूची में अभ्यर्थी शामिल। 3 इंजीनियरिंग कॉलेज में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी। केवल 9वीं व 11वीं में होंगे नवीन प्रवेश। अलग अलग समय से आएंगे कक्षा 9 और 12 तक के विद्यार्थी। विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम जारी। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के आवासीय विद्यालयों में मॉक टेस्ट शुरू। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, RS मुख्य परीक्षा परिणाम रद्द करने के खिलाफ अपील। ऑनलाइन आवेदन के सत्यापन के लिए निर्देश जारी। ढांडनिया भाईला स्कूल के छात्र पारस सुतार ने जीता इंटरनेशनल अवार्ड। LLM प्रवेश की अंतिम तिथि आज। परीक्षा 2021 राजस्थान में कहां 6 से 8 तक के स्टूडेंट को स्कूल से मिलेंगे 50% अंक। राज्य के विद्यालयों की 2 छात्राओं ने लहराया परचम। CHO भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थी। JMN 2021 आवेदन का अंतिम मौका आज। कॉलेजों में लौटेगी रौनक, SOP जारी। प्रदेश के 23 में से 15 आयुष कॉलेजों में 0 सेशन। न शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया, न 20% ज़्यादा परिजन आ गया है। आयुष कॉलेज में प्रवेश के लिए नीट कट ऑफ परसेंटेज घटाए। विश्वविद्यालय में अवकाश का कैलेंडर जारी। स्कूलों में कहीं सफाई तो कहीं सैनिटाइज हुआ सूरत। 308 दिन की छुट्टियों के बाद 18 जनवरी से खुलेंगे PG व UG अंतिम वर्ष की कक्षाएं 18 से। सामाजिक शिक्षाकर्मियों ने मांगों को लेकर उपवास रखा। शिक्षकों के स्थायीकरण करवाने पर निकाय चुनाव 2021 में दोहरी ड्यूटी निरस्त करने की मांग। परीक्षा से पहले छात्र सीखेंगे तनाव प्रबंध। निशंक ने ट्वीट कर नई शिक्षा नीति 2020 पर मांगे सुझाव। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की दृष्टि से सरकार का फैसला। NTT के पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी। PNB स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिजल्ट जारी। पढ़ना लिखना अभियान की भी समीक्षा। RU राजस्थान यूनिवर्सिटी स्नातक प्रथम वर्ष के परिणाम फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई।
बोर्ड पात्रता पूरी नहीं होने पर भी आवेदन अवश्य करें। विद्यार्थी प्रदेश के विद्यालयों में दाखिले के संशोधित आदेश जारी। इग्नू के पुराने छात्र 31 तक करें पंजीकरण। फाइनल मार्कशीट में अब नहीं लिखा जाएगा सप्लीमेंट्री। छात्र संघ बजट को लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई आमने सामने। नीट पीजी परीक्षा की तारीख घोषित। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम रिजल्ट जारी। दसवीं बोर्ड के प्राप्त अंक तीसरे पीरियडिक मूल्यांकन के समान। सेना में शामिल होने का मौका भारतीय सेना में। प्रदेश के निजी स्कूलों की मनमानी पर होगी कार्रवाई। जिले के 38 छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को भी जाना होगा स्कूल। 18 जनवरी से खुलेंगे अल्पसंख्यक राजकीय अनुदानित बालक तथा बालिका छात्रावास। हेल्थ प्रोटोकॉल का रखना होगा ध्यान। सोलह मोहम्मद आज के समाचार अपने यही समय होते। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।